इसे कहते हैं डिनर, जहां पर दूल्हा एंट्री करता है अपनी दुल्हन के साथ। जहां तक मेरा मानना है कि डिनर में सब लोग जाते हैं, बड़े बुजुर्ग सब लोग जाते हैं, और मेरा ये भी मानना है कि भारतीय नारी अपने ससुराल पक्ष में हर किसी का घूंघट लेती है जो अपने पति से बड़ा हो, उसका घूंघट अवश्य लेती है। घूंघट होता है एक गज का। और मेरा मानना यह भी है कि हम उस समाज के अंग है जो किसी बहू के घूंघट ना निकालने पर उस पर लाछन लगा सकता है या उसको ताना मार सकता है, लेकिन डिनर के दौरान इसका बिल्कुल उल्टा होता है। डिनर के दौरान नई हो या पुरानी बहू हर किसी को घूंघट के बिना देख सकती है। हालांकि ये समाज इस चीज को सिर्फ डिनर के दौरान तक ही सीमित रखता है, डिनर के बाद फिर से उसको जज करने की निगाहों से देखा जाने लगता है। पर मैं कुछ बातों से कंफ्यूज हूं कि जब वो सास बहू के घूंघट ना निकालने पर इतने ताने मारा करती है, वो इस वक्त इस डिनर में कहां गुम हो जाती है। हालांकि मैं इस घूंघट को निकालने या नहीं निकालने के पक्ष में नहीं हूं, ना ही मैं समर्थन करता हूं ना ही मैं विरोध करता हूं, पर हां मैं एक चीज का जरूर विरोध करता हूं कि अक्सर इस डिनर में एक पिता की मेहनत से बनाया हुआ खाना ज्यादा वेस्ट होता है। यह मेरी निजी राय है। अगर आपके पास पैसे हो तो आप डिनर में अच्छे से भोजन की बर्बादी कर सकते हो, या यूं कहें आप डिनर तो करिए मगर खाना बिठा कर ही परोसिए, ताकि एक पिता की मेहनत ऐसे ही डस्टबिन में बेकार ना जाए और ना ही भारत का कोई गरीब आदमी भूखा सोए। मैं यह सब आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप किसी बहू को एक गज के घूंघट के बिना देखें तो आप आश्चर्यचकित ना होए, क्योंकि मेरा देश बदल रहा है, मेरी संस्कृति बदल रही है। इस बदलते परिवेश में अपने आप को बदलना ही उचित है। अगर मेरी किसी बात से आपको ठेस लगी हो तो प्लीज मुझे नादान समझकर माफ जरूर कर दे।